हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप ठीक होगे। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं लर्न विद जनित गुरु। ओके, तो आज हम करेंगे क्लास सेकंड के रेन ड्रॉप बुक से चैप्टर 5, मोहन द पॉटर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है, सबको पता है, छोटू सा है, 4 पेज का है। ये हम बहुत जल्दी ही फिनिश कर लेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ये बताओ, पॉटर मतलब क्या होता है? जो मटके बनाता है, जो मिट्टियों के बर्तन बनाता है। ओके, तो देखते हैं क्या है इसमें। दिस इज मोहन। ये जो आपको पिक्चर में जो आदमी दिख रहे हैं, ये जो अंकल दिख रहे हैं, ये कौन है? इनका नाम है मोहन। ओके, ही लिव्स इन कुप्पम विलेज। ये कहाँ रहते हैं? कुप्पम विलेज में रहते हैं। ही इज अ पॉटर। ये एक पॉटर है। ही यूज क्ले टू मेक पॉट, जग, ऑयल लैम्प्स एंड क्ले मग्स। तो ये क्या करते हैं? ये क्ले का यूज करते हैं। किस लिए करते हैं? पॉट्स को बनाने के लिए, जग्स को, ऑयल लैम्प को या क्ले कप को। ओके, ही यूजेज अ पॉटर्स वेल टू शेप द क्ले एंड मेक द पॉटर। अब ये पॉटर बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? पॉटर व्हील्स का। देखो, जो ऐसी होती है, जो पिक्चर में आपको दिख रही है, चक्के जैसी होती है, बीच में एकदम स्पेस, गोल सा होता है, जिसके ऊपर आप ऐसे मिट्टियाँ रख के वैसे गोल गोल घूमती है और आप अपने हाथों से उसको शेप देते हो। ओके, वी स्टोर ड्रिंकिंग वाटर इन अ पॉट। तो हमें पानी को स्टोर करने के लिए कौन सा चीज़ यूज करना होता है? हमें पानी को स्टोर करने के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए पॉट की जरूरत होती है। इट कीप द वाटर कूल इन समर। जो गर्मियों का टाइम है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, गर्मी के टाइम में पानी को ठंडा रखता है कौन? वाटर का बनाया हुआ पॉटर। वी यूज क्ले कप्स टू ड्रिंक टी एंड लस्सी। जो वो पॉटर जो बनाता है क्ले कप, वो किस लिए यूज होता है? वो यूज होता है चाय पीने के लिए। आपने देखा है, आप अगर अपने मार्केट में जाते हो, छोटा छोटा सा एक ढाबा सा लगता है, वहां पे चाय मिलती है, तो वो चाय किस में देते हैं? या तो वो एक कांची ग्लास में देते हैं, या तो वो क्ले कप्स में देते हैं, है ना, इतनी छोटी सी कप होती है उसमें देते हैं। या लस्सी देखा है आपने? कहीं कहीं भी, बहुत जगह पे लस्सी उसमें ही दी जाती है, क्ले कप्स में। ओके, वी यूज ऑयल लैम्प फॉर लाइट एंड फॉर वर्शिप। हम ऑयल लैम्प का यूज कहाँ करते हैं? लाइट के लिए करते हैं, या कभी हम मंदिर वंदिर जाते हैं तो ये पूजा वूजा करते हैं, उन सब चीज के लिए करते हैं। ओके, आगे देखते हैं। मोहन हैज अ बुललॉग कार्ट। मोहन के पास एक बुललॉग कार्ट है। ही कैरीज द थिंग ही मेक टू द सिटी, मेक्स टू द सिटी। वो क्या करता है? सामान को उस पर रखता है, ठीक है, क्यों रखता है? सिटी को, सिटी में ले जाने के लिए। ही सेल देम एंड गेट मनी। वो उन सारे जो भी उसने बनाए होते हैं, जो भी थिंग्स उसने बनाई होती है, उसे क्या करता है? सेल करता है और उससे पैसे कमाता है। पीपल लाइक दिस पॉट्स एंड जग्स वेरी मच। जो जहाँ वो बेचता है, वहाँ के लोग इसके पॉट्स को, जग्स को बहुत ज्यादा ही पसंद करते हैं। ओके, देखो आपको दिख रहा होगा, ये है बुललॉग कार्ट, ठीक है, जिस पे इन्हें अपना सारा मटका, पॉट्स, जग, क्ले लैम्प सब कुछ रखा है। और ये कहाँ जा रहे हैं? सिटी में जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? अपने इन सारी चीजों को बेचने के लिए, जिससे उनके पास मनी आ सके, पैसा आ सके। ओके, आंसर दिस क्वेश्चन। हमें अब क्या करना है? इन क्वेश्चन के आंसर देने। व्हाट डज मोहन डू? मोहन क्या करता था? क्या करता था? ही मेक पॉट्स, जग्स एंड अदर थिंग्स। ओके, आगे क्या है? व्हाट आर द थिंग्स दैट मोहन मेक? मोहन क्या क्या बनाते थे? मोहन बनाता पॉट्स, जग्स, क्ले कप्स, ऑयल लैंप, और क्या बनाता था? और भी मटके वटके, बहुत अच्छी अच्छी चीजें बनाता, बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जो मिट्टियों से बनते हैं। आपने देखा होगा, अगर हमें अपना घर डेकोरेट करना होता है, अपना हाउस डेकोरेट करना होता है, तो हम मैक्सिमम चीजें किस चीज की रखते हैं? हम मैक्सिमम चीजें पॉटर के बनाए हुए पॉट्स, जग्स या फ्लावर पॉट्स, इन सब चीजों को रखते हैं, जिससे हमारा घर एकदम डेकोरेट होता है। ओके, तो वो मोहन यही सब चीजें बनाता था। हाउ डज मोहन गो टू द सिटी? मोहन सिटी कैसे जाता था? किससे जाता था? बुल लॉक कार्ट से जाता था, ठीक है। एक वो जो बैल से बंधी हुई गाड़ी होती है, जिसपे अपनी वो सामान रख के, उसी पे बैठ के, उसी को चला के वो कहाँ जाता था? सिटी जाता था।
वॉट डज ही डू विद द थिंग्स ही मेक, वॉट डज ही डू विद द थिंग्स ही मेक, वो अपनी बनाई हुई चीज़ों के साथ क्या करता था, वो अपनी बनाई हुई चीज़ों के साथ क्या करता था, उन्हें बेच देता था, फिर उससे मनी कमाता था, जिसके उसके पास मनी आए और वो अपने घर को चलाए। ओके आगे देखते हैं, अंडरलाइन ऑल द वर्ड्स इन द लेसन विच हैव डबल लेटर्स, फॉर एग्जाम्पल कुप्पा। अब आपको क्या करना है, आपको इस पूरे पूरे लेसन में जितने भी पूरे लेसन में आपको जितने भी ऐसे वर्ड दिख रहे हैं जो जिसमें एक वर्ड को डबल बार यूज किया गया है उसको आपको अंडरलाइन करना है। एग्जाम्पल में दिया है कुप्पा, कुप्पा में आपको क्या दिया है, डबल पी दिया है, तो एक जैसा सेम दो वर्ड हो गए ना। अब देख लेते हैं, आपको इसमें देखो बुल्लॉक में दिख रहा है, मैंने अंडरलाइन कर दिया बुल्लॉक, बुल्लॉक में डबल एल है, एक वर्ड दो बार यूज हुआ है, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है, और तो कुछ नहीं है जिसमें एक ही वर्ड दो बार यूज हुआ है, नहीं है। चलो आगे, हाँ है ना, कैरीज, ही कैरीज, तो डबल आर, ओके डबल आर कैरीज। आगे देखते हैं और कुछ है इसमें, देखो वी स्टोर ड्रिंक वाटर इन द पॉट, इसमें भी कुछ नहीं है, वी केप्ट इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, केस लस्सी, लस्सी में डबल एस यूज हुआ है ना, यस हुआ है, और तो कुछ नहीं है। ऊपर देख लेते हैं, दिस इज अ मोहन लिव इन कुप्पा, कुप्पम, कुप्पम तो हमें एग्जांपल में भी दिया था, फिर भी हम कर लेते हैं। पॉटर, ठीक है, पॉटर में डबल टी आ रहा है। क्ले यूज पॉट जग्स ऑयल लैम्प्स क्ले कप्स ही यूजेस द पॉटर्स वेल्स, ओके वेल्स में डबल ई आ रहा है। शेप्स क्ले मेक द पॉट्स, इसमें भी कुछ नहीं था। ऊपर देखते हैं और कुछ है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हमने अंडरलाइन कर ली है। आगे देखते हैं, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर राइट आर और रॉन्ग डब्ल्यू। देखो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, हमें इसमें अपना स्टेटमेंट देना है। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो आपको क्या करना है, आर लिखना है, आर मीन्स राइट, अगर ये गलत है तो आपको यहाँ डब्ल्यू लिखना है, डब्ल्यू मीन्स रॉन्ग। तो आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है मोहन लिव इन अ सिटी, क्या मोहन सिटी में रहता था, बिल्कुल नहीं, मोहन तो एक गांव में रहता था ना, तो ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू। मोहन मेक्स पॉट लैम्प जग एंड क्ले मग्स कप्स, तो मोहन क्या पॉट्स लैम्प जग्स या क्ले कप्स बनाता था, क्या बनाता था, क्ले कप्स पॉट्स लैम्प जग ये सारी चीजें बनाता था, ये क्या सही है, यस, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे आर। मोहन हैज टू बुल्लॉक कार्ट, मोहन के पास क्या दो बुल्लॉक कार्ट थी, कार्ट थी नहीं थी, एक ही थी ना, तो ये रॉन्ग है, तो हम यहाँ क्या करेंगे रॉन्ग के लिए डब्ल्यू। क्ले पॉट कीप द वाटर कूल, जो क्ले पॉट थी वो क्या पानी को ठंडा रखती थी, बिल्कुल रखती थी, ये सही है, बिल्कुल सही है, तो हम यहाँ लिखेंगे आर। मोहन सेल द थिंग्स ही मेक, मोहन जो भी चीजें बनाता था क्या उसे सेल कर देता था, बिल्कुल कर देता था, ये है राइट। आगे देखते हैं, लिसन एंड रिपीट, इसे सुनो और रिपीट करो, ओके। हेयर इज अ पॉट, मेक योर ओन डिजाइन ऑन इट एंड कलर इट। देखो यहाँ पे एक पॉट है, ठीक है, इसको आपको खुद से डिजाइन करना है, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाने, एकदम सुंदर सा क्रिएट करना है, फिर इसको कलर करना है और इसे एकदम रेडी करना है, ओके। तो ये मैंने आपको दे दिया होमवर्क, होमवर्क तो मिलेगा ना, ज्यादा स्मार्ट नहीं बना करो कि सोचते हो मैम होमवर्क नहीं देगी, होमवर्क मिलेगा, होमवर्क नहीं मिलेगा तो आप पढ़ोगे नहीं घर पे, ठीक है। अब देखते हैं अगले क्या है, अगला है फिल इन दी ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स ब्लैंक्स को फिल करना है। आप देखते हैं क्या है इसमें, क्या है, दिस इज अ डैश, दिस इज द डैश, तो आपको डैश में क्या लिखना है, वेल। अब देखो यहाँ वेल क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही वेल है, अब एक वेल के लिए आप कौन सा प्रोनाउन यूज करोगे, दिस, ठीक है, और वेल यूज करोगे या वेल्स यूज करोगे, वेल्स तो एक से ज्यादा के लिए होता है और वेल एक के लिए होता है, तो हमने यहाँ पे वेल किया। नेक्स्ट लाइन में आप देख ही सकते हो, दीज आर वेल्स, यहाँ पे एक से ज्यादा है तो इसके लिए क्या हुआ है, दीज आर वेल्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट चेयर है तो दिस इज अ चेयर, ये एक चेयर है। अब हम आगे क्या करेंगे, दीज आर चेयर्स, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, चेयर्स, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट एक टेबल है, तो हम ये क्या लिखेंगे, दिस
क्या यूज करें, सिंगुलर के लिए दिस यूज करते हैं, दिस इज अ टेबल, ये एक टेबल है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, दीज, दीज आर टेबल्स, ओके। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पॉट, तो हम यहाँ क्या करेंगे, दिस इज अ पॉट, दिस इज अ पॉट, ये एक पॉट है। और फिर यहाँ आगे क्या लिखेंगे, दीज आर पॉट्स, दीज आर पॉट्स, ओके। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमें पूरा सेंटेंस लिख के दिया है, दिस इज अ पेन, ये एक पेन है, तो नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, दीज आर पेन, दीज आर पेन्स, ठीक है, एस भी लगाएंगे, दीज आर पेन्स, क्योंकि ये एक से ज्यादा है, ओके। चैप्टर तो फिनिश हो गया, तो हमें पता भी नहीं चला हमने कितनी जल्दी से फिनिश कर दिया, ये तो बहुत जल्दी फिनिश हो गया है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और अगर ना समझ में आए तो आप इसको फिर से देख लें जिससे आपको क्लियर हो जाए, ओके। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।